K20 Pro के लिए आया न्यू अपडेट MIUI 11 का। तो चलिए जानते हैं क्या है चेंज लोगो और क्या है चेंज हमारे इस फोन के अंदर, जो कि 2 डेज हो चुका है इस अपडेट को आए हुए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो ये रहा डिवाइस नेम जो है रेडमी, और मॉडल नेम है डिवाइस का K20 Pro, और इसका MIUI का जो वर्जन है लेटेस्ट वाला 11.0.3, जो कि अभी 2 डेज पहले ही हमें देखने को मिला है। एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो 2019 11.1 का सिक्योरिटी पैच मिलता है। तो भाई दिसंबर के मिड में हमें ये अपडेट देखने को मिला है और सिक्योरिटी पैच हमें 11 का ही देखने को मिला है, क्या बात है भाई। बीटा का तो अपडेट बंद ही कर दिया शेड्यूल, स्टेबल पे अपडेट दे रहे हो वो भी सिक्योरिटी पैच अभी तक ओल्ड ही रखे हो, कैसे चलेगा भाई कैसे चलेगा। अब आ जाते हैं हम अपडेटर के सेंसर पे, और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इसका आखिर है क्या चेंज लॉग। तो ट्रिपल डॉट पे आपको क्लिक कर देना है और व्हाट्स न्यू पे टाइप कर देना है, आपका चेंज लॉग आपके आंखों के सामने होगा, जिसमें आपको देखने को मिल जाएंगे इनके द्वारा किए गए चेंज। तो सबसे पहले लॉक स्क्रीन, स्टेटस बार और नोटिफिकेशन सेट, ये हमेशा इंक्लूड रहता है चेंज लॉग, बाकी अदर रहे या नहीं। उसके बाद आपको ऑप्टिमाइज मिलता है क्लॉक में और अदर के अंदर। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन करके क्या कुछ नया दिखाई देता है। तो फर्स्ट में लिखा गया है कि आपका जो कुडंट ओपन नोटिफिकेशन सेटिंग इन द नोटिफिकेशन सेट इन सेकेंड स्पेस। तो बहुत सारे यूजर्स हैं जो सेकेंड स्पेस का बेनिफिट लेते हैं, लेकिन सेकेंड स्पेस में ये प्रॉब्लम आ रही थी MIUI 11 के अंदर, कि जब भी है जो सेकेंड स्पेस का यूज करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन हमें शो होता है तो उस पर टैप करने के बाद हमारा नोटिफिकेशन ओपन ही नहीं होता है, बस वहीं पर रुक जाता है। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी जिसे इस अपडेट में तो फिक्स किया गया है ओनली ऑन सेकेंड स्पेस यूजर्स के लिए। सेकेंड है आपका वही सेम केसेज है कि नोटिफिकेशन पे जो सेट है उस पर टैप करने पर समटाइम ओपन नहीं करता है, रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो चलो ठीक है, बग को फिक्स किया गया, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे जो GPS टॉगल रीनेम एज अ लोकेशन, ये मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है K20 Pro के साथ, क्योंकि K20 Pro है जो हमारा ड्यूल बैंड GPS सपोर्ट करता है, और जब भी हम आते हैं इसके स्टेटस बार की ओर हमें देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन इसका जो ड्यूल बैंड GPS है उसे हटाकर लोकेशन कर दिया गया है, जैसे कि बाकी अदर डिवाइसों में देखने को मिलता है। तो जिन यूजर्स को पता है कि भाई K20 Pro ड्यूल बैंड के साथ आता है तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अदर यूजर जब देखते हैं K20 Pro तो भाई दिखाई देता है GPS ड्यूल बैंड, क्या बात है, कुछ नया डिफरेंट देखने को मिल रहा है जिनको नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे लोकेशन कर दिया गया तो सिंपल सा बाकी अदर डिवाइस की तरह यहाँ पे भी चेंज कर दिया गया है। तो ये क्यों किया गया भाई, मुझे रियली में पसंद नहीं आया। क्लॉक के अंदर आपका जो ऑप्टिमाइज किया गया है कुछ नेम्स वगैरह लोकेशन टाइम्स वगैरह के लिए, साथ ही साथ यहाँ पे अदर में जो फिक्स किया गया है इमेज ओवरलैपिंग व्हेन स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट। अगर आप आते हो सेटिंग्स की ओर या फिर कोई भी ऐसा पेज जिसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रॉल वाला, तो सम टाइम आपका जो ओवरलैप हो रहा था टेक्स्ट वगैरह स्क्रॉलिंग में, तो इसे जो फिक्स कर दिया गया है। तो अगर बहुत ज्यादा आप यूज करते हो और आपको प्रॉब्लम आ रही थी, आप बहुत ज्यादा परेशान थे, तो भाई आपके लिए ये गुड न्यूज है, ये फिक्स हो चुका है, आप फुल बेनिफिट ले पाओगे अपने लॉन्गर स्क्रीन शॉट का। तो बस ये छोटा सा चेंज किया गया है। उसके बाद मैंने हर जगह जो ब्राउज किया, हर जगह फाइंड किया, कुछ भी मुझे नया देखने को नहीं मिला सेटिंग्स के अंदर। तो सिर्फ यही चीजें हमें दिखाई दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई और इसी टाइप का कोई वीडियो चाहिए इन फ्यूचर, तो बस चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को इनेबल और मेरे साथ स्टे ट्यून करें, ताकि आपको जो वीडियोज मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।